हेलो एवरीवन, दिस इज मेकिंग ऑन फॉट। इस चीज़ का नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत देखा जहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि पहाड़ी इलाका प्लेन इलाका में ही इस्तेमाल किया जाता है। सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में, मैं हर बेस्तर दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह धान काटा जाता है दूसरे छत्तीसगढ़ इलाका में। ना आसान हो गया था, बाकी देख सकते हो। ये बता रहे हैं केवल ये 5 मिनट का काम है। इतना आसान हो गया नहीं जमाना। ये देखिए जिला में भी काट नहीं सकता, जिला में भी काट सकता है, ले सकता जिला पे ना। नहीं, ये काट कार देता है, पहले नहीं काट पाता ये जिला। वैसे कितना समय लग जाएगा ये थोड़ा सा? एक एकड़ में ना 45 मिनट लगता है। 45 मिनट? अच्छा, ये पीछे जो ये वो फेंकता जा रहा है नहीं? हाँ, हाथ में तो आपको समय भी लग जाता है ना, वैसे पैसा भी। ये क्या वो ये आप लोग क्या किराया पे लिया इसमें? एक घंटे में कितना लेते भैया? एक घंटे का 4000 लेता है। 4000? 4000 भी काफी है, इतना काम कर जा रहा है। सर आप वो लगाओगे मजदूर 4000 में? हाँ, खाना पीना आजम बारह सारा सब, और आप उसके साथ वो भी तो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं? हाँ, पर कितना वो हो गया? देख अच्छा, ये देखिए उनका फिटने जा रहा है। क्या जमाना आ गया रे, तभी तो ये इंसान का आलस बढ़ता जा रहा है। ये तो क्या है, मजदूरी लगाते उसके साथ हम भी करते काम करते हाँ। दिन कम से कम मेहनत होता है, एक दिन में खत्म नहीं जाओ काम से कम। वैसे ये कितना का होता है यार? ये इसको क्या बोलता है? हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर वैसे कितना पड़ता होगा इसका? 27 लाख का रेट है। अरे बाप रे बाप, लेकिन जहाँ ओ तो खत्म हो गया। अच्छा अगला वाला मैं नहीं, आप लोग का यहाँ पे ना साल में कितना बार धान उगाते हो आप लोग? दो बार। अभी बरसात? हाँ, फिर बरसात में ना, हमारे वहाँ पे एक ही सीजन में एक ही बार बस बताऊंगा।
चलो दिखाते हैं वाटर पंप है ये। मोस्टली यहाँ वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं लोग, जहाँ पे डैम होता है धान काट के लाने का। यह है धान जो ट्रैक्टर से लाया गया, ये धान है ना जो ट्रैक्टर से जो लाया वही है ना। अच्छा और ये क्या, ये वे तोड़ने लायक क्या? अच्छा अच्छा इसी में लाद के लाते मशीन को। अच्छा बस जा रहे, ये रहा आज तक की दोस्तों। फाइनली मैंने हार्वेस्टर के बारे में ब्लॉग्स बना ही दिया है। हार्वेस्टर तीन प्रकार के होते हैं, जो मुझे दिखाया गया था वो यह मीडियम था। वैसे मेरा इस ब्लॉग्स को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर ख़राब लगा तो भी कमेंट करना ताकि मैं अपना ब्लॉग्स सुधारूँ। और लास्टली प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Don't forget hit the bell icon.